Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about learning, definitions, characteristics and theories of learning. As you all know कि हम इग्नू BPC001 जनरल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो थ्योरीज हैं लर्निंग की, थ्री थ्योरीज हैं. वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं लर्निंग की, बट जो ग्रेजुएशन इग्नू ग्रेजुएशन के जनरल साइकोलॉजी है उसमें ओनली थ्री थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी आएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आएगा, आप कोई टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आएगा, अगर आप बीएड एमएड करेंगे उसमें भी आएगा. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और साइकोलॉजी का अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आते हैं क्वेश्चन. सो इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियो. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो बेसिकली लर्निंग होती क्या है? लर्निंग जो है वो हम लाइफ लॉन्ग सीखते हैं. ठीक है, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम लर्निंग करते हैं. ठीक है, और लर्निंग होती है कि जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, और वो परमानेंट चेंजेस होते हैं. ठीक है, टेम्परेरी चेंजेस की बात नहीं, यहाँ पे परमानेंट चेंजेस जो होते हैं वो हमारी लर्निंग होती है. ठीक है, तो लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ये एक्विजिशन करती है, लर्न करती है ऑफ इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एंड स्किल्स को. जो लर्निंग है ये डिफाइन करती है एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाई एक्सपीरियंस. ठीक है, जब भी हम लर्निंग करते हैं वो हमारे किस में प्रोड्यूस होती है? हमारे एक्सपीरियंस में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हो कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग. ठीक है, ओके. तो जो लर्निंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन न्यूमरस एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि कॉग्निटिव की बात करें, या फिर एजुकेशनल की बात करें, सोशल या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें. सिर्फ हम एजुकेशन से रिलेटेड ही लर्निंग नहीं करते हैं, हम ओवरऑल हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में. ठीक है, अगर आपको लर्निंग समझ में आ गया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप ईजिली समझ जाओगे. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इसमें ये है कि जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर नहीं होता है, परमानेंट चेंज होता है. ठीक है, जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं ड्यू टू मैच्योरेशन प्रोसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लर्निंग. जो मैच्योरेशन प्रोसेस होता है वो लर्निंग का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, लर्निंग कैन रिजल्ट फ्रॉम विकेरियस एज वेल एज फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. हम इमिटेट करके भी लर्न करते हैं और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके भी लर्न करते हैं. जैसे नहीं होता है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तो वो हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है. ठीक है, और लर्निंग टू साइड्स होती हैं. ठीक है, वो कहते हैं ना कॉइन्स के दो पहलू. ठीक है, तो सिक्के के दो पहलू, तो उस टाइप की लर्निंग होती है. पॉजिटिव लर्निंग के साथ साथ हम नेगेटिव लर्निंग भी हमें होती है. ठीक है, बैड हैबिट्स भी हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं. तो ये कुछ फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लर्निंग के. ठीक है, अब थ्योरीज की बात करते हैं. तो थ्योरीज आपकी बुक में जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी थी एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थी. तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो इन्हीं फोर थ्योरीज की, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में थ्री बोला था बट बेसिकली फोर थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फटाफट से हम जान लेते हैं कि क्या है ये थ्योरीज. तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी सबसे पहली थ्योरी है. ये जो थ्योरी है ये दी थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने इन 1977. ये फादर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. आपने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी का ही एक एक्सपेरिमेंट था. ठीक है,
तो वो भी अल्बर्ट बेंडूरा ने ही दिया था। तो बेसिकली इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू थ्रू ही सीखता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज लर्निंग बाई वॉचिंग द एक्शंस ऑफ अदर्स, ठीक है। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, उनसे उनको ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। अ स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्व बाई अ स्टूडेंट, ट्रेनी और चाइल्ड, एंड देन दैट बिहेवियर इज इमिटेटेड, ठीक है। तो फोर की फैक्टर्स हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। सबसे पहला है अटेंशन। अगर हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं बट हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो अटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट की फैक्टर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, ठीक है। रिटेंशन, जब भी हम अटेंशन दे रहे हैं और उस अटेंशन को हम अपनी मेमोरी में प्लेस करना चाहते हैं, जैसे हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, तो उसमें हम अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही फिनिश हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से है कि अगर हम अटेंशन के बाद रिटेंशन देते हैं ना, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑब्जर्वेशन मस्ट बी प्लेस्ड इन मेमोरी। किसके थ्रू होती है? रिटेंशन के थ्रू होती है। अब रिप्रोडक्शन, जो भी हम रिटेंशन दे रहे हैं उसको रिप्रोडक्शन, हमको उसको रिप्रोड्यूस करना है। जैसे कि हम साइकिल सीखते हैं, फिर उसके बाद स्कूटी एंड बाइक सीखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कार भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। और अगर मैथ्स में गए तो मैथ्स में हम ये देखते हैं कि पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, ठीक है, ऐड करना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। ये हमारा रिप्रोडक्शन है। एंड लास्ट में आता है मोटिवेशन। हम कुछ भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा मोटिवेशन होता है जो हमें एंगेज करता है उस बिहेवियर के लिए। विदाउट मोटिवेशन हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के पॉइंट्स। ओके, अब आते हैं सेकंड लर्निंग पे, हमारी क्लासिकल। क्लासिकल लर्निंग इवान पी पावलोव, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी। इनकी जो थ्योरी थी, इनके नाम पे भी इसका नाम पड़ा था, क्योंकि इनका नाम पावलोव था ना, तो पावलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी इनकी थ्योरी को जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने कहा, क्या कहा था कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो हम ट्रेनिंग के थ्रू भी सीख सकते हैं, ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट था, उसको देख लेते हैं। बेसिकली बिफोर कंडीशन, मतलब बिफोर ट्रेनिंग क्या किया था इन्होंने, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने फूड दिया यहाँ पर, फूड को अनकंडीशनल स्टिमुलस, मीन्स कि US, ठीक है। इन शॉर्ट में ये वर्ड्स जो है ना, आप इसको समझना, क्योंकि आप इसको नहीं समझ पाओगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। अब सलाइवेशन जो होती, लार जो टपक रही थी, उसको UR मीन्स की अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी डॉग फूड देखता है तो उसको सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बिफोर कंडीशनिंग में ही न्यूट्रल स्टिमुलस जब दिखाई देता है, मतलब कि जो बेल है उसको बजाई जाती है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। तो उसको पता समझ में आ रहा है कि बेल से हम मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बिफोर कंडीशनिंग की बात होती है, जब ट्रेनिंग से पहले की बात। अब उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, उसमें क्या होता है कि पहले बेल प्रेस होती है, ठीक है, एंड देन उसको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो फूड प्रोवाइड किया जाते हैं, कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जब बार बार ये चीज़ की गई, बेल बजाई गई, उसके बाद उसको फूड दे दिया गया, तो उसे पता चल गया कि हाँ, मुझे बेल बजने के बाद फूड मिल रहा है, ठीक है। तो उसे ट्रेनिंग मिल गई, ठीक है। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था क्योंकि उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जब ट्रेनिंग उसे दे दी गई तो उसका रिस्पॉन्स आने लगे, ठीक है, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स आने लगे, मीन्स कि UR उसका होने लगा, ठीक है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जब भी बेल बजाई जा रही है, मतलब कंडीशन स्टिमुलस जो है वो बेल है, ठीक है, जब भी बेल बजाई जा रही है, जो डॉग है उसका कंडीशन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स कर रहा है, CR हो गया, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जब इसको बेल ना बजाकर सिर्फ फूड दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे भी उसकी
चेंजेस हुए हैं उसको अभी हम आगे देंगे, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, उसको देख लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो इट्स ऑफ्टन कंट्रास्ट विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी थी, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कसिंग करेंगे। वेयर अ बिहेवियर इज एनकरेज और डिस्करेज बाई ट्रेनर और टीचर थ्रू एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की थी बात स्किनर ने, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया कि ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, लर्निंग भी करते हैं, ठीक है, हमें किसी पनिशमेंट और रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। तो बेसिकली इनके जो की फोकस पॉइंट्स थे क्लासिकल कंडीशनिंग के, तो पावलोव ने, इवान पावलोव ने इसको डेवलप किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने डॉग पे, क्लेम किया था इन्होंने एवरीथिंग कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है, इनका एम क्या था, टू मेक अ न्यूट्रल स्टिमुलस, जो बेल थी उसको कंडीशन स्टिमुलस में चेंज करना, जैसे कि यहाँ पर जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जब बेल बजाई जा रही थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, इस रिस्पॉन्स को उन्होंने किस में चेंज किया, कंडीशन रिस्पॉन्स को, कंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर दिया, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस और नो रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से सबसे पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स कि यहाँ पर न्यू लर्निंग सीखी गई, ठीक है, क्या हुआ कि जब बेल बजाई गई, जो हमने अभी बात की थी एक्सपेरिमेंट की, उसको ध्यान में रखना था, अभी आपको समझ में आएगा। बेल बजी, फूड दिया गया, ठीक है, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, तो ये एक क्या हुआ, एक्विजिशन हुआ, एक न्यू लर्निंग उसने सीखी, ठीक है, किसने, डॉग। एक्सटिंक्शन, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बेल को स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, सिर्फ फूड पर प्रेजेंस किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सटिंक्शन हो गया, बेल प्लस फूड वाला वो एक्सटिंक्शन हो गया, बेल बजने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था डॉग, ठीक है, तो एक विलुप्त हो गया उसका वो प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग जो है ये होगा, ठीक है। एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्या हुआ था हमने पहले कि बेल प्लस फूड दिया, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद एक्सटिंक्शन में क्या किया हमने, बेल को हटा दिया, फूड फूड दिया, ठीक है, तो बेल क्या हो गई, एक्सटिंक्शन हो गई। अब थर्ड में क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्या किया गया कि बेल फूड और बेल दोनों दिया गया, तो वो फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी होने लगी, ठीक है, कि मतलब यहाँ मतलब ये है कि जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उसके थ्रू रिकवरी हो गई, ठीक है। एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अब जो फूड और बेल दिया जा रहा, तो बेल जो थी, साउंड ऑफ अ बेल, ही मे ऑल्सो सलाइवेट एट द साउंड ऑफ अदर थिंग्स दैट साउंड सिमिलर, ठीक है, जो बेल की ही साउंड की सिमिलर साउंड था, उससे भी वो क्या कर रहा था, उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जा रहा था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब फिफ्थ पे आते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, जो डॉग है वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है बिटवीन दैट बेल एंड ऑल अदर साउंड्स, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, कि बस यही एक पर्टिकुलर बेल के साउंड से ही आपको फूड मिलेगा, ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी बेल बज रही है आपको फूड मिलेगा, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन करना वो सीख जाता है। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पे आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को B.F. स्कीनर ने 1965 में डेवलप किया था, बहुत ही मोस्ट वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने, बेसिकली जो अपना थ्योरी दी थी, एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने कहा था कि हम लर्न करते हैं रिस्पॉन्सेस को थ्रू द रिपीटिशन ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है, तो इनके जो की कॉन्सेप्ट थे, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट थे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना, आप इनको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, इन्होंने कहा था कि जब भी हम कुछ प्लीजेंट करते हैं तो हमें क्या होता है कि रिवॉर्ड दिया जाता है, प्लीजेंट और रिवॉर्डिंग इज गिवन आफ्टर अ स्पेसिफिक बिहेवियर,
ठीक है। एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई अटेम्प्ट टू इंक्रीज ए स्पेसिफिक बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर इंक्रीज करना होता है, जैसे कि बच्चे टाइम पे होमवर्क कर ले, उसके लिए क्या किया जाता है, बाय रिमूविंग समथिंग दैट इज़ नेगेटिव व्हेन द बिहेवियर इज़ डन, ठीक है। कुछ ऐसा रिमूव कर दिया जाता है जो नेगेटिव होता है और बिहेवियर इज़ डन, वो बिहेवियर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कोई बच्चा है वो टाइम पे अपने होमवर्क को कर लेता है, ठीक है। अब इस बिहेवियर को, होमवर्क जो टाइम पे करना है, इस बिहेवियर को और इंक्रीज करने के लिए बच्चे को कोई भी रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स उसको रिमूव कर दिया जाए, या तो फिर उसको कोई चॉकलेट्स दे दी जाए इस तरीके का, जिससे कि उसका जो ये पॉजिटिव स्पेसिफिक बिहेवियर है ये इंक्रीज रहे, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड आते हैं पनिशमेंट पे। तो पनिशमेंट दो तरीके की होती हैं, एक तो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट, एंड सेकंड होती है नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्यों होती है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर हो जो आपको नहीं करना है उसको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है, और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है किसी भी स्टिमुलस को। अब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसी होमवर्क को 2 और 3 टाइम्स करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है, तो ये ऐड हो गया उसका, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब कि अगर उसके जो बच्चा है अगर वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसके कोई फेवरेट टॉय, ठीक है, आजकल स्मार्टफोन बहुत बच्चे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो स्मार्टफोन को रिमूव कर दिया जाए तो वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। जो नेगेटिव पनिशमेंट है और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिव पनिशमेंट में रिमूवल होता है, बट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो नेगेटिव एक चीज़ होती है, जैसे बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन में से कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन जो रूल्स है रिस्ट्रिक्शन रूल का, उसको हटा देना। जैसे कि बच्चों को टीवी देखने के लिए कह देना, ठीक है, कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया है तो यू कैन वॉच टीवी, ठीक है। तो ये हो गया एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, क्योंकि उन्होंने बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो अब बच्चा क्या करेगा कि अगर मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो मम्मा मुझे टीवी देखने देगी, ठीक है, तो होमवर्क जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के अंडर में आता है, ठीक है। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली फर्स्ट जो इन्होंने किया, तो इन्होंने किया था कि एक केस में रैट को बंद कर दिया, और जब रैट को बंद किया तो उसमें वो आपने देखा होगा कि जब चूहे जब आपके घर में होते हैं, आप उनको पकड़ते हैं, तो उसी में वो बहुत इधर उधर करते हैं, उछलते हैं, ठीक है, जो कि तो फिर एक तरीके से वो एक्सप्लोर करने लगा कि मैं किस तरीके से निकलूँ। तो सडनली क्या होता है कि ये लीवर प्रेस हो जाता है, और वो बहुत ही तेज़ भूखा भी होता है, ठीक है। ये जब लीवर प्रेस होता है तो उसको यहाँ से ना फूड मिल जाता है, ठीक है। जब वो फूड मिल जाता है तो ये एक्सपेरिमेंट ना कई बार रिपीट किया जाता है, एक बार उसको डाला जाता है तो फर्स्ट एंड सेकंड टाइम तो वो जो रैट है वो तो एक्सप्लोर ही करता रहता है कि किस तरीके से निकलें, किस तरीके से हम अपनी भूख को मिटाएं, ठीक है। तो वो जब उसे पता चल जाता है कि हाँ इस लीवर को प्रेस करने से हमें फूड मिल रहा है, तो वो एक तरीके से पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या करता है, लर्न कर लेता है, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही सेम केस होता है, सेम लीवर होता है, बट अब क्या होता है कि यहाँ से शॉक उसको जनरेट की जाती है, और ये इलेक्ट्रिकल ग्रिल्स हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल ग्रिल्स में से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जाती है। अब कोई भी ह्यूमन हो, एनिमल हो, किसी को भी इलेक्ट्रिक लगेगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही, ठीक है। तो क्या होता है, इधर उधर कूदने लगता है, उछलने लगता है, इसी केस में कौन, रैट, ठीक है। तो जब रैट इधर उधर उछलता है तो अचानक से उसको उसका लीवर प्रेस हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक शॉक जो होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो दैट मीन्स कि उसको एक मिला नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है, उसने एक पॉजिटिव प्लीजेंट बिहेवियर किया, डिजायरेबल बिहेवियर किया, जिससे कि उसका ये जो नेगेटिव चीज़ है वो रिमूव हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो पनिशमेंट है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे थॉर्नडाइक की थ्योरी। जो थॉर्नडाइक थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक वॉज प्रोमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। ठीक है, ये इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, इनका जो वर्क है ऑन लर्निंग एंड बिहेवियर सेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर रिसर्च। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कैट पे रिसर्च की थी, ठीक है, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स थे जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, रिसर्च किए थे। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी वो लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्निंग अकर्स थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन अ रिस्पॉन्स एंड अ स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो SR बॉन्ड से भी जानी जाती है। ठीक है, SR बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन को दिखाया है, और SR बॉन्ड के साथ साथ इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो कनेक्शन हमें लर्निंग को सिखाता है। ठीक है, अभी हम इनके और प्रिंसिपल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, जो लॉ दिए थे उन्होंने, उससे और इनको समझ में आ जाएगा। तो मोर अ रिस्पॉन्स इज रेनफोर्स द स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। ठीक है, जितना भी हम रिस्पॉन्स को रेनफोर्स करेंगे उतना ही जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। ठीक है, दिस रेनफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इन द फ्यूचर। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है रिस्पॉन्सेस पे जो कि मिलने वाला है। जैसे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको भी केज में बंद कर दिया गया था एंड उसके सामने फिश रख दी गई थी, ठीक है, कैट के सामने। ठीक है, तो अब कैट जो है ये स्मेल, इसकी स्मेल से वो इतना इधर उधर उछलना कूदना किया कि वो फिश किसी भी तरह से हमें मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ। ठीक है, उछलते कूदते जो लीवर है वो प्रेस होता है और उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब कि उसको फिश मिल जाती है। ठीक है, तो ये इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने कुछ लॉ दिए थे की प्रिंसिपल्स ऑफ थॉर्नडाइक्स, तो अब प्रिंसिपल्स देख लेते हैं थॉर्नडाइक ने जो दिए थे। सबसे पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, ये पहले नंबर पे था और ये दूसरे नंबर पे था एंड ये थर्ड नंबर पे था। ठीक है, ये एक सीरीज थी जिसमें हम पहले की बात करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस में था कि जब भी हमें कुछ लर्न करना होता है तो उसके लिए हमें रेडी होना पड़ता है, हमें कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे कैट के लिए क्या मोटिवेशन था, फिश, फिश की स्मेल। ठीक है, तो लर्निंग के लिए मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो लर्निंग अकर्स थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हम रिपीटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस लर्निंग को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। सबसे पहले बताया था इन्होंने लॉ ऑफ यूज और सेकंड था लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमारी एक स्ट्रेंथ लर्निंग बनती है। ठीक है, तो वो हमारी एक लॉ ऑफ यूज़ होता है, वो हमारी यूज़ की हो जाती है लर्निंग। बट वहीं पर लॉ ऑफ डिसयूज़ ये होता है कि हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो लर्निंग होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो दो तरीके की लर्निंग होती है। उसके बाद थर्ड आया लॉ ऑफ इफेक्ट। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हायर हो जाते हैं, बट जो हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मीन्स कि हमारी जो ट्रायल्स करने की वजह से हमारी जो गलतियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसलिए भी इसको कहा जाता है कि हम जितनी बार ट्रायल करेंगे, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी गलतियाँ क्या हैं, कम होंगी।
ठीक है, जो थॉर्नडाइक थे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी में, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये था लर्निंग का पूरा टॉपिक। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों, थियोरीज जो हैं वो क्लियर हो गई हों। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।